आज के वीडियो में बात करने वाले डियोपोड एप 60 के बारे में हो रहे है, जो ईयरबड्स है इसकी जो प्राइस थी और लॉन्च दिन मतलब कि जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उस दिन इसकी जो प्राइस थी वो 999 रुपीज थी, लेकिन फिलहाल इसकी जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी फिलहाल 1500 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट रहती है क्योंकि भाई इसका हाइप ही इतना ज्यादा था कि अब देखते हैं कि इसका हाइप क्यों इतना ज्यादा था। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका हाइप इतना ज्यादा है तो इसकी वजह क्या है और इस वजह से आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से इसका पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बॉक्स के डिब्बे के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग एक्चुअल ईयरबड्स की जो इमेज है वो देखने को मिल जाती है। डियोपोड ENC मतलब एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन वाला ईयरबड आपको ये मिल जाने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे F60 इसका जो मॉडल नंबर है वो मिल जाता है। जल्दी से इस डिब्बे को ओपन करते हैं भाई, देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह मिल जाती है। साइड में रखो भाई। ओके, पहले तो मिल जाता है इसका एक वारंटी कार्ड, इसके अलावा एक वेलकम नोट कार्ड और एक यूजर मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और डिब्बा मिल जाता है जिसके अंदर भाई एज ऑलवेज जो मिलता है 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। अब आते हैं मेन चार्जिंग केस के बारे में, मतलब जो ईयरबड का केस है इसके बारे में देखते हैं। तो ये रहा मीवी डियोपोड एप 60 का चार्जिंग केस। और भाई यहाँ पे इसके फिनिशिंग के बारे में बात करो तो भाई इसकी जो फिनिशिंग है ग्लोसी फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। और इसके अलावा आपका चेहरा भी इस चार्जिंग केस के सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आप हेयर वेयर वगैरह भी अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इसके हिंज के बारे में बात करें तो एकदम प्रीमियम क्वालिटी के जो चार्जिंग केस मतलब ईयरबड केस जो आते हैं उस टाइप का आपको हिंज वगैरह भी मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अब जैसे ही आप इस ईयरबड्स को चार्जिंग केस को ओपन करते हो तुरंत ही एज सून एज पॉसिबल अपने रिसेंट डिवाइस के साथ कनेक्ट था उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और मैं जल्दी से पहले तो इस दोनों ईयरबड्स को बाहर निकाल लेता हूँ और देखे तो भाई यहाँ पे इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है ना भाई, काफ़ी कमाल की बिल्ड एंड क्वालिटी मिल जाती है। और अब इसके फिनिश मतलब कि मैट फिनिश और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ मतलब मिक्सचर किया गया है भाई, ग्लोसी फिनिशिंग के साथ भी आता है और मैट फिनिश भी इसके अंदर मिल जाता है। अब जल्दी से इसके सिक्योर फिट के बारे में बात करूँ, बॉय जो बाहर की नॉइज़ है ना भाई काफ़ी हद तक मतलब 70-80% तक की जो बाहर की नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही पहन तो फिर भी अभी म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले नहीं किया है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके फंक्शन बटन के बारे में बात करें मतलब जो गेस्चर बटन आता है वहाँ से आप सिंगल टैप पे म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को अटेंड भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग डबल टैप करना होगा। और इसके अलावा इस प्राइस रेंज के अंदर आपको भाई वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का फीचर्स भी इस ईयरबड्स के अंदर मिल जाता है। लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर प्रेस करके होल्ड करना है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर प्रेस करके होल्ड करना है वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये इस फीचर्स का भाई काफ़ी अच्छे अच्छे ईयरबड्स के अंदर आपको नहीं मिलते, अंडर 2200-2300 वाले जो ईयरबड्स इसके अंदर भी आपको इस फीचर्स नहीं मिलता है। लेकिन इस बार आपको यहाँ पे इसकी जो प्राइस फिलहाल चल रही है उसके मुताबिक बात करो तो भाई 1500 रुपीज के अंदर ये फीचर्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और अब जल्दी से इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस ले लेते हैं भाई, अपने भाई को कॉल लगा लिया है और देखते कि भाई इसको जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो किस टाइप का लगता है। हेलो, हाँ आवाज ठीक आ रही है मेरी? थोड़ा घोघरो आ रहा है, ओके देखने को मिलता है ऐसा है थोड़ा। क्या कह रहे भैया? लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ अच्छे तरीके से सुन सकते हो आप? नहीं 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 सुन सकता हूँ मैं, प्रॉपर क्लियर आवाज नहीं आती है, बाकी बात समझ में आ जाती है ऐसा है ना? बात समझ में आ जाती है क्या कह रहे हो, लेकिन प्रॉपर आवाज प्रॉपर जो आता है वो नहीं आता, मतलब वो फोन पे जो बात कर रहे हैं वैसा वो अपने फोन में नहीं आता है। ओके, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल क्लियर लिखा है उस टाइप का आवाज आपको नहीं मिलता है, ठीक है? ओके भाई, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस में डाउन पॉइंट मिलने लगे है क्योंकि भाई यहाँ पे जो क्रिस्टल क्लियर लिखा है एनवायरमेंट नॉइज कैंसलेशन तो भाई मिल सकता है, मिल जाता भी है, और लेकिन यहाँ पे जो आपको सामने वाले की आवाज़ है वो तो अच्छी तरीके से अपने ईयरबड्स में सुनाई देगी लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो सामने वाले के पास अच्छी तरीके से नहीं पहुँचती, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन उन लोगों को मिल जाता है। इसलिए भाई कॉलिंग में भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसके फीचर्स वगैरह है उसके मुकाबले तो भाई काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो भाई इस ईयरबड्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करो तो इसके अंदर जो ब्लूटूथ वर्जन है वो आपको 5.1 मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके IPX रेटिंग की बात करें तो IPX4 सर्टिफाइड इस ईयरबड्स देखने को मिल जाता है, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस ईयरबड्स है
नॉर्मल सी एक्टिविटीज या फिर रनिंग वगैरह कुछ आप कर रहे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ENC मिल जाता है, एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। लेकिन कॉलिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेडेड लगा है, लेकिन इस प्राइसेंस के हिसाब से भाई अच्छा खासा मिल जाता है, फिर भी कॉलिंग एक्सपीरियंस डाउन ही है। अब जल्दी से इसका साउंड टेस्ट करते हो, देखते कि यहाँ पे इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको किस टाइप का मिल जाता है। तो जल्दी से साउंड एक्सपीरियंस ले लेते हैं। साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना भाई, काफी कमाल की साउंड क्वालिटी मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी लाउडनेस भी काफी अच्छी है। अगर आप 50-70% वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हो तो यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस आपको कम मिल जाएगी, लेकिन 100% पे आप इसको प्ले करते हो तो आपको बाहर की कोई भी आवाज कानों में नहीं आएगी। दोनों ईयरबड्स लगाए तो भाई सिंगल ईयरबड्स में आपको दिक्कत आएगी, एक कानों में से बाहर की आवाज आती है ना, तो 100% वॉल्यूम पे दोनों ईयरबड्स के साथ आप म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले करते हो तो बाहर की आवाज ना के बराबर 98% रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है ना भाई, काफी कमाल की बेस क्वालिटी मिल जाती है। इतनी भी बूमी बेस नहीं है कि जो आपको सुनने में पसंद ना आए, काफी अच्छी तरीके से मतलब क्या कहे भाई, प्रीमियम बेस क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब साउंड एक्सपीरियंस तो भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे इस ईयरबड्स के बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो भाई टोटल कंपनी का दावा है कि भाई 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम इसका रखना है ना 50-70% वॉल्यूम पे आपको 50 आवर्स का मिलता है। और 50% वॉल्यूम पे अगर आप इसको प्ले करते हो ना, फिर भी इसकी जो लाउडनेस है काफी कम हो जाती है उस 50-70% वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन आप मेरे ख्याल से 100% में श्योर हूं कि आप 100% वॉल्यूम पे ही इसको सुनना पसंद करोगे। तो अगर आप 100% वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है, ट्रस्ट कर सकते हो इसके ऊपर। 36 आवर्स तक का प्ले टाइम तो 100% मिलने ही वाला है 800% वॉल्यूम के ऊपर। और इस ईयरबड्स को आप सिंगल चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी का दावा है 8.5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, लेकिन भाई मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 6.5 घंटे तक का ही प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। मतलब इस चार्जिंग केस के अंदर आपको 500 mAh की कैपेसिटी मिल जाती है, उसके हिसाब से आपको 36 आवर्स का प्ले टाइम जो मिलता है बेस्ट है, वर्थ इट है, बैटरी बैकअप कमाल का है। और भाई यहाँ पे इसकी जो प्राइस है अभी फिलहाल Flipkart.com के ऊपर 1399, मतलब कि 1400 रुपीज में आपको ये ईयरबड्स मिल जाएगा। अगर आप इस ईयरबड्स को परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अदरवाइज Flipkart पे जाके भी सर्च करके आप देख सकते हो, वहां से भी बात परचेस कर ही सकते हो। और मेरा राय लेना चाहो तो भाई इस ईयरबड्स को परचेस कर लीजिए, काफी बेस्ट ईयरबड्स है और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी तगड़ा है। लेकिन भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा है, इसके ऊपर मे बी वर्क करे तो भाई काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। और भाई आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। और वो इसलिए करना है कि भाई जैसे ही हम नए वीडियो फिर अपलोड करते हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आती रहे, इसलिए भाई बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी साथ में कर ही देना।